सिर्फ मेरे लिए जी। तो किसी और को आप आने मत दीजिए, रोकिए सबको वहाँ पे। इंतजार आपका था। ये आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं मुझे देखना चाहिए कि ये प्रॉमिस आप पूरा करते हो कि नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू, वेरी प्लेजर टू हैव यू हियर। थैंक यू सर। एक्सपेक्टिंग अवार्ड्स, प्रेजेंटिंग अवार्ड्स। आई एक्चुअली एम परफॉर्मिंग, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू परफॉर्म ऑन स्टेज एंड आई हैव हैड अ ग्रेट एसोसिएशन विद विजक्राफ्ट, वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुगेदर। So it's great to be here again, a part of an award function that they're organizing. And obviously the guild is very, very special because it's the fraternity that is celebrating the fraternity. So that makes it awesome. गानों पे मैं शानदार के गानों पे नाच रहा हूँ। शायद खबरें आई थी कि आपने मीरा के कहने पर सिगरेट छोड़ दी। जी जी, खबरें तो आती रहती हैं मैम। मैं सिगरेट शुरू कब की थी वो तो किसी ने पूछा नहीं आज तक मुझसे, तो आई वुड नॉट वॉन्ट टू कॉमेंट ऑन दीज थिंग्स, बट या आई डोंट स्मोक। आई हैव स्मोक्ड इन द पास्ट बट आई डोंट स्मोक नाउ। बट कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है कल मैं फिर से सिगरेट पी लूँ, इतना मुझे एग्जाम्पल मत बनाओ। मैं भी इंसान हूँ और इट्स डेफिनेटली वेरी वेरी गुड, इट्स वेरी हेल्दी नॉट टू स्मोक। एंड आई वुड टेल एवरीबडी कि अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ मत पियो, टोबैको इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। बट यू नो, जी चल रही थी, जी ख़त्म हो जी। ये मुझे रंगून के लिए ही हैं, आई एम प्लेइंग एन आर्मी ऑफिसर इन द फिल्म, तो उसके लिए विशाल सर को लगा दैट दिस मूच विल लुक करेक्ट। जी मैं ज़्यादातर अपने प्लान स्पॉन्टेनियस रखता हूँ, तो मैंने इतने दूर तक सोचा नहीं है। और जो आप इधर आ जाओ ना, मेरे को ना एक्चुअली हम बड़े सालों से ना मैं कैमरे में देख के जवाब देता हूँ, मुझे बड़ा डिसकनेक्टेड इम्पर्सनल सा लगता है कि सवाल कोई पूछ रहा है मैं उनको देख नहीं रहा हूँ। आप पूछो तो आपको देखूंगा ना, वो पूछेंगे तो उनको देखूंगा। हाँ तुम वहाँ चले जाओ। 31st आई नॉट प्लान एनी थिंग, आई रियली नॉट प्लान एनी थिंग। मे बी वील हैव अ लिटिल गेट टुगेदर एट होम और मे बी वील नॉट डू एनी थिंग, इट्स वेरी नो प्लान। नहीं मैं ऐसे नए साल पुराना साल ऐसे नहीं सोचता हूँ, हर दिन से अपेक्षा होती है और हर दिन यही कोशिश होती है कि आप कुछ बेहतर करो, कुछ अच्छा करो, कुछ यादगार करो, तो वो तो रोज़ की फीलिंग है। वो ऐसा नहीं है कि अगर नया साल शुरू हुआ तो बदल जाएगी। थैंक यू सो मच। येस ऑफ कोर्स, विशिंग ऑल द व्यूअर्स अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, वेरी वेरी मेरी क्रिसमस, एंड विशिंग एवरीबडी बिहाइंड द कैमराज अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ वेरी मेरी क्रिसमस। जी हम लोगों ने एक्चुअली एक डेढ़ दिन शूटिंग की है और बहुत अच्छा लग रहा है। ही इज़ वेरी वेरी प्रोफेशनल एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो ये फिल्म कर रहे हैं, बिकॉज जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं उनसे बेहतर शायद ही कोई कर पाता। ही इज़ आई थिंक अ ग्रेट कास्ट फॉर द फिल्म एंड आई वुड से द सेम फॉर कंगना, शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, शी इज़ बीन गिविंग सम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज, सो इट्स ग्रेट टू हैव हर ऑन द फिल्म एज़ वेल। एंड आई थिंक रंगून की कास्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी है। And I'm very excited and really looking forward how people react to this cast and to this film, which is again another film for me with Vishal Bhardwaj, jo mere liye hamesha bahut special hota hai. National award next year. Yaar pichle saal bhi tum logon ne bol bol ke na mere expectation bada diye the. Sir, suno to sahi. Nahi aayega kuch na kuch bolte hain. Ye dekho aa gaya. Sahi sir, sawal pucho. Pucho inse sawal ki inhone ye navy blue suit kyun pehna hua hai. बचा है सीरियसली, क्या करना है खड़े डेली। ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस। ठीक है सर, ऊपर यहाँ पे भी लोग सो स्वीट, थैंक यू सो मच। और मुझे बस आप ही लोग फैन हो बस मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये मुझे कोरियोग्राफी के लिए मिली है और बाजीराव मस्तानी में जो गाना किया मैंने पिंगा उसके लिए मिली है, तो बेस्ट कोरियोग्राफी, सो
संजय जी भी अंदर थे अंदर जी हाँ संजय जी भी बैठे हैं और आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत हिम्मत चाहिए किसी डायरेक्टर की रेमो डिसूजा को एक ऐसा गाना दे जो कि पीरियड फिल्म है बट आई थिंक वो संजय सर ही कर सकते हैं ऐसे सो बिग थैंक्स टू एक्चुअली जिस दिन पिंगा लॉन्च हो रहा था उस दिन कैंसिल हो गया था जिस दिन लॉन्च के कुछ अटैक्स हुए थे इसकी वजह से कैंसिल हुआ था तो वो एक बहुत बड़ा फंक्शन था जहाँ पे मैं आने वाला था वो हुआ था उसके बाद फिर कैंसिल हुआ तो उसके बाद से जब प्रमोशन चालू हुआ देन उसके बाद दूसरा गाना आ गया और फिर रणबीर और दीपिका और प्रियंका एंड संजय सर इतने हैं मेरी क्या जरूरत है एक्चुअली जी दोनों को साथ में रहना अभी तो बता सकते हैं हमें कि आपने वो छवि दिमाग में रखी थी क्या जो मिसेस ऐश्वर्या राय बच्चन और जी बिल्कुल क्योंकि जिस दिन गाना मुझे बताया गया था कि आप गाना कर रहे हैं और दोनों हैं उसमें तो मुझे सबसे पहले फ़ोन यहाँ था लेकिन यहाँ से दिमाग में डोला दे डोला चल रहा था क्योंकि आप कुछ भी कर लो उसको कंपैरिजन आने ही वाला था और सभी लोग बोलने मतलब गाना देख के यही कंपेयर करेंगे कि अरे वो था अच्छा ये नहीं है ये नहीं है लेकिन वो फिल्म अलग थी वो टाइम अलग था एक्टर्स अलग थे और ये फिल्म अलग है सो मैंने वही किया जो फिल्म के लिए सही था और रिसर्च किया क्योंकि पीरियड फिल्म था हम रॉन्ग नहीं हो सकते थे क्योंकि बहुत ही मतलब डेलिकेट वाला सीन था क्योंकि वैसे ही काफ़ी प्रॉब्लम चल रहे थे जी हाँ बिल्कुल ओ तो मैं शूट कर रहा हूँ फ्लाइंग जेट के लिए न्यू ईयर क्रिसमस और न्यू ईयर एक दो ऐसी त्यौहार है जो मैं अपने घर पे मनाता हूँ बाकी सब मैं बाहर चला जाता हूँ कभी लेकिन ये दो ही चीज़ें हैं जहाँ पे मैं घर पे रहता हूँ घर पे मनाता हूँ उनके बीच में मतलब क्या प्लान है 25 से 30 के बीच में शूटिंग है मेरी 27th को भी शूटिंग है सलमान का बर्थडे है ओ या ऑफकोर्स सलमान भाई का बर्थडे है तो विश तो बनता है ऑफकोर्स मैं फ़ोन पे विश कर दूंगा मैं अभी तक कभी गया नहीं हूँ उनको विश करने घर पे लेकिन फ़ोन पे मैं विश कर दूंगा मैसेज कर दूंगा उनको एंड बट अभी भी मैं विश कर देता हूँ सलमान भाई अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू ये Left side.
थी मैं।